हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट जून से लेकर दिसंबर 2019 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर हैं, जो कि आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं, तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम से पहले यानी कि जनवरी और फरवरी, ये दो मंथ के बुक एंड ऑथर अगर कोई ऐसे इम्पोर्टेंट आते हैं तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में जितने भी दिए हुए हैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट 2019 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो कि साइमन टफल ने लिखे है, और ये इस बुक का नाम है फाइंडिंग द गैप्स, ठीक है। आप जानते हैं कि ये अंपायर थे, तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अंपायर साइमन टफल रिलीज्ड हिज बुक टाइटल जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स, ठीक है। इस बुक को इन्होंने लिखा है, तो इसको आपको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है कि हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने जो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, इनका एक बुक है, उनको उन्होंने रिलीज किया है जिस बुक का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ठीक है। ये रहे एम वेंकैया नायडू और ये रहे अमित शाह, और इनका जो बुक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, इस बुक को इन्होंने रिलीज किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप देखिए, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, ठीक है। इस बुक को किसने लिखा है, तो मिहिर दलाल ने लिखा है, और इसको पब्लिश किसने ने किया है, तो पान मैकमिलन इंडिया, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। थर्ड में देखिए, जो इंग्लिश ऑथर है टोनी जोसेफ, इनकी एक बुक है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वी वेयर वी केम फ्रॉम, जो ये बुक है इस बुक को किसने लिखा है, टोनी जोसेफ ने, और इस बुक के लिए इनको प्राइज भी मिला है, 12th शक्ति भट्ट पुरस्कार इनको मिला है इस बुक के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, उन्होंने रिलीज किया है असामी वर्जन में एक बुक है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। थर्ड में देखिए कि जल शक्ति मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने एक रिलीज किया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिस फिल्म का नाम है शिखर से पुकार, ठीक है, शिखर से पुकार एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको जो है जल शक्ति मिनिस्टर ने रिलीज किया है, तो ये भी आपके हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। थर्ड देखिए, राइटर एंड कॉलमिनिस्ट हरीश भट्ट, उनका एक न्यू नॉवल है वो लॉन्च हुआ है मुंबई में, और जिस बुक का नाम है एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफी, ठीक है, ये रहा बुक, ठीक है। थर्ड में देखिए, बुक टाइटल 150 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लिजेसी, रिटन लिखे है फकीर हसन ने, तो एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि फकीर हसन ने किस बुक को रिलीज किया है, तो 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेजेसी, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेजेसी, इस बुक को किसने लिखा है, तो उस बुक को लिखा है आपको फकीर हसन ने लिखा है। देखिए, बिल गेट्स, ये अभी पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, इन्होंने एक बुक लिखा है How to avoid a climate disaster, the solution we have and the breakthrough we need, इस बुक को रिलीज करेंगे वो 2 जून के 2020 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आपसे अगर पूछ दे कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इस बुक को कौन लिखा है, तो ये आप बोलेंगे बिल गेट्स। देखिए, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इस बुक को लिखा है विश्वनाथन आनंद ने, अपने एक्सपीरियंस को बताए हैं उस बुक में कि किस तरह से चेस के गेम के किस तरीके से उन्होंने चेस के गेम को प्ले किया था, और उनका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो उस बुक में उन्होंने मेंशन किया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि विनिंग लेसंस फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, चैंपियन तो थे ही वो, ठीक है, जितना उनका एक प्रोफेशन भी था, बहुत जीते हैं उन्होंने। एक है ब्रिजिटल नेशन, इसको लिखा है आपको एन चंद्रशेखरन ने, और वो चेयरमैन है टाटा सन्स के, और रूपा पुरुषोत्तम इमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, ये एक बुक है ब्रिजिटल नेशन। नेक्स्ट बुक है कि 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इस बुक को लिखा है काशीनाथ पंडित,
ठीक है। तो काशीनाथ पंडित ने किस बुक को लिखा है? 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ये वर्ड है वो बुक, इस बुक को उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट बुक देखिए कि बुक्स टाइटल द टेक विस्पर, इस बुक को किसने लिखा है? जसप्रीत बिंद्रा ने। जसप्रीत बिंद्रा ने इस बुक को लिखा है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये वो रही बुक द टेक विस्पर। अब देखिए इनको तो सब लोग जानता है, सुब्रमण्यम स्वामी को। इन्होंने भी एक बुक लिखा है कि रीसेट, रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिजेसी, इस बुक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के एमपी भी है अभी हाल में। नेक्स्ट बुक देखिए कि प्रोफेसर आयुष्मान, एक कॉमिक बुक है जिसको रिलीज किया है आयुष मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली ने, ठीक है, जो भारत का जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने एक आयुष स्कीम भी रिलीज किया गया है, तो उस मिनिस्ट्री ने एक प्रोफेसर आयुष्मान का एक कॉमिक बुक रिलीज किया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंग गांधी, ठीक है, बिंग गांधी इस बुक को किसने लिखा है? तो पारो आनंद ने लिखा है इस बुक को, ये रही पारो आनंद और ये उनका बुक रहा बिंग गांधी, पारो आनंद ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द कजन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज, रिटन बाय जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी, धवल कुलकर्णी ने इस बुक को लिखा है द कजन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज, धवन कुलकर्णी। नेक्स्ट बुक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सावरकर इचोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924, इस बुक को लिखा है आपको विक्रम संपत ने, ठीक है, सावरकर। नेक्स्ट बुक देखिए अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इस बुक को लिखा है आपको राजेंद्र बी अकलेकर ने लिखा है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे रिटन बाय राजेंद्र बी अकलेकर। नेक्स्ट बुक देखिए बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी रिटन बाय मिहिर दलाल, ये शायद मैंने पहले आपको करवा दिया है। रिसर्जेंट इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिमल जलान, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बिमल जलान ने इस बुक को लिखा है रिसर्जेंट इंडिया, ये रही वो बुक। नेक्स्ट देखिए श्रीदेवी, गर्ल वुमेन सुपरस्टार, जो फर्स्ट लेडी सुपरस्टार अगर कोई भारतीय सिनेमा की है थी, तो वो थी आपको श्रीदेवी, तो यही बुक का टाइटल भी है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, और इस बुक को लिखा है किसने? सत्यार्थ नायक ने लिखा है। नेक्स्ट बुक देखिए हु स्टोल माई जॉब, हु स्टोल, किसने मेरे जॉब को चुरा लिया, इस बुक को लिखा है सुनील मिश्रा ने, हु स्टोल माई जॉब रिटन बाय सुनील मिश्रा। नेक्स्ट बुक देखिए ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, इस बुक को किसने लिखा है? नेवी चीफ एडमिरल सुनील कुमार ने लिखा है, ठीक है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ऑथर्ड बाय फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार। नेक्स्ट बुक देखिए द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, इस बुक को लिखा है बीजेपी के जो एमपी है मीनाक्षी लेखी, इस बुक को इन्होंने लिखा है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ऑथर्ड बाय बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट बुक है वार ओवर वर्ड्स, सेंसरशिप इन इंडिया 1930 टू 1960, ऑथर्ड बाय देविका सेट्टी, देविका सेट्टी ने भी हाल में एक बुक लिखा है जो कि बहुत फेमस बुक है, वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930s टू 1960। नेक्स्ट बुक है विस्पर ऑफ टाइम, अब देखिए एक बुक था जो मैंने पहले आपको कराया था द टेक विस्पर, इसको लिखा था जसप्रीत बिंद्रा ने, और यहां पर है विस्पर ऑफ टाइम, इस बुक को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने, ठीक है, विस्पर ऑफ टाइम। नेक्स्ट बुक है आप इनको जानते हैं बहुत ही फेमस एक्टर हैं अनुपम खेर, इन्होंने भी हाल में एक बुक लिखा है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। नेक्स्ट बुक देखिए बाबा रामदेव ने लिखा है बुक माय लाइफ माय मिशन, इस बुक को, ये ऑटोबायोग्राफी है योग गुरु बाबा रामदेव का। नेक्स्ट बुक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इस बुक को लिखा है आशीष रे ने, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज आशीष रे। नेक्स्ट बुक है
डार्कनेस टू लाइट। फॉर्मर अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर लमार ओडम ने, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बुक था तो मैंने आपको यहां पे डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, नो प्रेजेंट प्लीज, नो प्रेजेंट्स प्लीज, इस बुक को किसने लिखा है? जयंत कैकिन ने लिखा है, जयंत कैकिन ने लिखा है इस बुक को। नेक्स्ट बुक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है शाहिद अफरीदी का, गेम चेंजर। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, बैंक के एग्जाम में तो पूछा ही है, तो ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि मे भी आपसे पूछ ले। ये ऑटोबायोग्राफी है शाहिद अफरीदी की। तो तीन ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताया है, एक तो आपको शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी हो गई, आपको गेम चेंजर, अनुपम खेर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, बाबा रामदेव की भी जो ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई मिशन, ठीक है, अनुपम खेर की जो ऑटोबायोग्राफी थी ये थी आपको लाइफ लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली। तो तीन जो है ऑटोबायोग्राफी अभी हाल में प्रसिद्ध लोगों ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, इस बुक को लिखा है डॉक्टर वाई वी रेड्डी, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई के थे और चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन के हैं। नेक्स्ट बुक है, ये रघुराम राजन को जानते ही हैं आप, जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने लिखा है थर्ड पिलर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, द थर्ड पिलर्स, हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, ऑथर्ड बाय रघुराम राजन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, द थर्ड पिलर्स। नेक्स्ट बुक है एवरी वोट्स काउंट, एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। ये बुक को किसने लिखा है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला, नवीन चावला ने इस बुक को लिखा है एवरी वोट कॉइन काउंट्स। चेतन भगत की मोस्ट फेमस बुक इंडियाज इंडिया पॉजिटिव, ठीक है, इंडिया पॉजिटिव, ऑथर्ड बाय चेतन भगत। तो चेतन भगत की ऐसे भी जो भी बुक नॉवेल्स वो लिखते हैं वो हालांकि बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, उस पर थ्री इडियट्स की मूवी भी थी, एक आपको अर्जुन कपूर की भी एक मूवी थी, उस मूवी का नाम क्या था, टू स्टेट्स, और यहाँ पे क्योंकि थर्ड बुक है इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत। सिंप्लिसिटी एंड विजडम, इस बुक को किसने लिखा है? मिस्टर दिनेश शर्मा ने लिखा है सिंप्लिसिटी एंड विजडम। अब देखिए नेक्स्ट बुक है खूनी वैशाखी, इस बुक को लिखा है ननंग सिंह ने, जालियांवाला बाग सर्वाइवर, इससे रिलेटेड है। ये रही वो बुक, अ पोयम फ्रॉम द जालियांवाला बाग मैसेकर्स, 1999 में जो हुआ था, 1919 में, उसी लिए नाम लिखा जालियांवाला बाग में, आप जानते हैं बहुत ही खूनी कांड हुआ था, तो इसी पे बुक लिखा गया है खूनी वैशाखी, और लिखा कौन है? ननंग सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है मन की बात, ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, ऑथर्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, अ ईयर इन ऑफिस, इसको लिखा है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू की पहले भी बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, और सेकंड बुक है इनको मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ए ईयर इन ऑफिस। पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी भी एक बुक आई है अभी, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये देखिए मेरे हिसाब से 2019 की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, वी आर डिसप्लेस्ड, मलाला यूसुफ जाई का बुक है, इनको आपको पता है कि नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। तो वी आर डिसप्लेस्ड ऑथर्ड बाय मलाला यूसुफ जाई, ये बुक इन्होंने लिखा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के पहले जो हमारे थे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, इंडिया के, उन्होंने एक बुक लिखा है चेंजिंग इंडिया, रिटन बाय फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। तो ये रहे कुछ आपको 44 बुक्स जो कि 2019 में जून से लेकर और दिसंबर तक के बीच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके एग्जाम में जो बुक एंड ऑथर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन बुक में से कोई एक बुक तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ फेमस बुक आपके आएंगे नेक्स्ट, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा।
तो मेरा टारगेट है कि आप, क्योंकि जानते हैं कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, करीबन मेरा अपना मानना है कि इस साल 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे, तो जितने भी करंट अफेयर्स 2019 में इंपॉर्टेंट रहे हैं वो मैं आपको अपने चैनल पे जरूर शेयर करूंगा और आपको उसको देखना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।